आदित्यपुर नगर निगम का देखिए नरक द्वार, अधूरे सड़क और नाले से बेहाल जनता। बारिश के बाद जल जमाव से बेहाल जनता पुष्टि, बताओ साहब हमारा क्या है कसूर। आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू, बोले पूर्व पार्षद नहीं सुनते अधिकारी, मंत्री चंपई सोरेन पर साधा निशाना। सरायकेला खरसावां जिले के आदित्यपुर नगर निगम के वार्ड 13-14 में 15वें वित्त आयोग से पारित सड़क और नाले का काम अधूरा होने की वजह से दोनों वार्डों के लोग नारकीय जीवन जीने को मजबूर है। करीब 4 साल बाद भी उक्त योजना को धरातल पर उतारा नहीं जा सका, जिसका खामियाजा क्षेत्र की जनता को भुगतना पड़ रहा है। बारिश के बाद नालों का पानी घरों में घुस रहा है, जिससे लोग अपने हाथों से बाहर निकालने को मजबूर है। लोग बस यही जानना चाहते हैं कि आखिर उनका कसूर क्या है, उन्हें किस गुनाह की सजा दी जा रही है, जबकि उनके द्वारा टैक्स का भुगतान किया जाता है, जनप्रतिनिधियों का चुनाव किया जाता है। वहीं जनप्रतिनिधि यह कहते पल्ला झाड़ते नजर आते हैं कि हमारा कार्यालय समाप्त हो चुका है, निगम के अधिकारी सुनते नहीं है, आने वाले दिनों में आंदोलन की बात कहकर आरोप स्थानीय विधायक सह मंत्री चंपई सोरेन और सरकार पर मढ़ते देखे गए। सवाल ये है कि आखिर 4 सालों में भी योजना धरातल पर क्यों नहीं उतर सका, दोष किसका है, जनता, जनप्रतिनिधि या सिस्टम। आपको बता दें कि समूचे आदित्यपुर नगर निगम को विकास के नाम पर खोद दिया गया है। शायद ही कोई ऐसा वार्ड हो जहां की जनता सड़क पर बने गड्ढों से बेहाल ना हो, कहीं पानी के नाम पर तो कहीं सीवरेज ड्रेनेज के नाम पर संवेदकों ने गड्ढे कर रखे हैं। मंत्री संतरी यदा कदा बैठक कर संवेदक को फटकार लगाने की बात करते हैं, नतीजा वही ढाक के 3 पात, जिसका उदाहरण आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज वायरल, बिहार झारखंड। क्या समस्या चल रहा है? नल्ला सर इस तरह का बना है कि नल्ला बन के मुसीबत छा गया है और घर घर में पानी घुस जा रहा है। नल्ला का थोड़ी पानी का गिरती है ना, पूरा घर भर जाता पानी से। नल्ला बिना ढंग का बना हुआ है। क्या क्या कारण है कि नाला अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ और रोड कंप्लीट नहीं हुआ? बोलता बालू नहीं है, गिट्टी नहीं है, कभी भी बोलते रहता है। बताइए, अपना कमी बताता है कि जैसा जमीन है वैसे ही बनेगा। अरे नाला भी एक साइज का बनेगा तब ना, जैसे उधर ऊंचा बना वैसे इधर भी ऊंचा बनता नाला, इसके कारण जो है घर में पानी घुस जा रही है। कितना दिन पहले काम हुआ था? अभी तो सर काम होकर जगह जगह 3 महीना हो रहा है। उसके बाद काम आगे बढ़ गया है, पहुंच चुका है, लेकिन काम खत्म हो गया, लेकिन एक स्थिति है नल्ला की, पानी का निकास नहीं है सर। अब दोनों साइड नल्ला सर का यहाँ पर होता ही नहीं है, जब तक आदमी गिरते रहता है घटा रहता है। कितना साल से ये हो गया है, बन रही नहीं है रोड। नली तो आधा बना बन के वहाँ पर रोड दिया है, कितना ठेकेदार आता है चले जाता है। किनके द्वारा काम किया जा रहा है यहाँ पे? वो तो नहीं पता, 2-3 चार ठेकेदार आए हैं, ये नली का काम किया तक तो रोड बनी। क्या क्या समस्या हो रहा है यहाँ पे? पूरा पानी जम जाता है, जाम हो जाता, नली का पानी तो जाते ही नहीं है, ऐसे नली बना है। नली का तो कुछ रोल ही नहीं है, नली का वार्ड नंबर 13 और 14 के बीच में आता साल्डी बस्ती, उसका स्थिति बहुत ही दयनीय हो गया है और पानी गिरते के साथ ही रोड में पूरा पानी घुस जाता है, रोड घरों में का पानी घुस जाता है, इस पर क्या करना चाहिए? देखिए ये तो बड़ा ही मैंने दुख का बात है, जो कि लोगों के घर में पानी घुस जा रहा है। हम आपको जानकारी के लिए बता दें कि 2019 में ही हम लोग 15वीं से ये सड़क और नाली को मैंने उद्घाटन शिलान्यास कर दिए थे, लेकिन बड़ा योजना था, 15वीं का योजना था, बड़ा योजना था, करीब 3 करोड़ लगत से योजना था। तो करते करते जो है कि नाली का दोनों काम हो गया था, दोनों साइड का नाली का काम हो गया था, लेकिन सड़क का काम इसलिए उसमें मैंने डिले हुआ क्योंकि वो सीवरेज और आपका जिंदल का जो काम था पानी का वो पूरा नहीं हुआ था। वो करते करते हम लोग का कार्यकाल जो है 28 अप्रैल को समाप्त हो गया। अब समाप्त होने के बाद अब स्थिति यह बन गया कि सारा पावर जो है सरकार के ऊपर चला गया। आपको एक और एक बात बता दें कि जब सरकार के ऊपर चला गया तो सारा पावर जो है ऑफिस में चला गया। ऑफिस में जाने से क्या हो गया, अब हमारे हाथ में कुछ हो नहीं रहा। अब हम लोग जब भी ये बात बोलते हैं कि भाई जब हो गया काम, अब सीवरेज का और ड्रेनेज का और जो जिंदल का पानी का काम है उसको अतिशीघ्र करके समाप्त करना चाहिए था और करके इसको NOC दे देना चाहिए था। NOC अगर दे देता तो शायद ये सड़क बन के रेडी हो जाता। तो ये सरासर बोलेंगे सरकार का और नगर निगम का लापरवाही के चलते आज जो है पानी लोगों के घर में घुस रहा है। और ये जो दयनीय स्थिति है और ये जो दुर्भाग्य स्थिति बना है, केवल और केवल सरकार और नगर निगम का चलते ही ये दुर्भाग्य स्थिति बना हुआ जो लोगों के घर में पानी जा रहा है। कब तक जूझेंगे लोग ऐसे समस्या से?
मतलब क्या लगता है सरकार कुछ करेगी? देखिए सरकार का तो ये ढोलमोल नीति है, ऐसा स्थिति बनी हुई है कि आपको क्या बताएं कि आगे में थोड़ा सा नेशनल इलेक्ट्रॉनिक से थोड़ा सा दूर में जाइएगा तो झारखंड मुक्ति मोर्चा का एक कार्यालय बना हुआ है और जो माननीय विधायक जी हैं यहाँ के क्षेत्रीय और मंत्री जी भी हैं उनका भी आवागमन है, वो भी दिन रात देख रहे हैं लेकिन कोई सुध लेने वाला नहीं है। ये दुर्भाग्य बहुत ही बड़ा दुर्भाग्य है जो हमारा वार्ड बोलिए, विधानसभा बोलिए, सरायकेला विधानसभा बोलिए, जेएमएम का विधायक और मंत्री रहते हुए जबकि सारा पावर वालों के पास चला गया है, तब तो अब तो सुध लेना चाहिए था, अब ये सड़क बन के रेडी हो जाना चाहिए था लेकिन कोई नहीं बना रहा है और चार महीने से इसे ठप पड़ा हुआ है, कोई सुध लेने वाला नहीं है। ये अभी हम लोग चाह रहे हैं कि देख रहे हैं ये जैसे ही बारिश खत्म होता है एक विशाल हम लोग आंदोलन करेंगे जी, जो कि अब चुनावी नहीं हो रहा है, चुनावी मोड में था, चुनाव नहीं कराए लोग किसी कारण बस कोर्ट में चला गया मामला, लेकिन अभी हम लोग जन आंदोलन करेंगे और उसको सचेत करेंगे कि किसी भी चलते जल्दी से जल्दी सड़क बनकर रेडी हो। साल्डी कितना आबादी का क्षेत्र होगा सर? 10,000 दोनों वार्ड मिला के 10,000 लोगों का डेली आवागमन है उस सड़क पर, लाइफ लाइन है 13 और 14 का दोनों। ताज़ा खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि हर खबर की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।